अंकित आप बोल रहा था कुछ? अंकित यू आर नहीं सेइंग सर, समथिंग? नहीं, ठीक है। तो क्या क्या चीज याद रखना है मैंने नहीं। जो बताया ना, होमवर्क्स में ध्यान दीजिए। पहला होमवर्क क्या है, देखिए पहला होमवर्क क्या है ना कि गौतम श्रीनिवासन को मैसेज कर दीजिए, लिख लीजिए होमवर्क नंबर वन, लिख लीजिए होमवर्क नंबर वन, मैसेज टू गौतम श्रीनिवासन विदाउट यूजिंग माई नेम। गौतम श्रीनिवासन पता है ना कौन है, लिंक्डइन में भी दिया था जो आईडी, दिव्या। कोई डाउट लिखिए, नंबर वन होमवर्क आप लोग लिख लीजिए, नंबर वन होमवर्क ग्रुप में लिखिए, अंकित आपको नहीं करने का दरकार है, ठीक है। राइट इन द ग्रुप नंबर वन होमवर्क मैसेज टू गौतम श्रीनिवासन, क्योंकि आपका भाई आर्टिकल सिर्फ डिवाइस लेने मत करिए, बाद में करिएगा उसको, ठीक है। मैसेज टू गौतम श्रीनिवासन विदाउट यूजिंग माई नेम, मेरा नाम मत यूज करिएगा, ठीक है। लिख लीजिए ग्रुप में फटाफट, मेरा नाम यूज कर लेके कोई का रेफर नहीं करेगा उसको, उसका इतना तंग हो जाता है कर करके। अभी फटाफट कॉल शेड्यूल हो जाएगा, मैसेज टू गौतम श्रीनिवासन विदाउट यूजिंग माई नेम, लिख लीजिए जल्दी, लिखिए भाई ग्रुप में, बिल्कुल सुन जल्दी। दिव्या लिखिए ग्रुप नंबर वन। क्विकली आईडी पता है मैंने दे दिया, मांगेगा मत आईडी मेरे को, जल्दी से आप लिख लीजिए अंकित, जल्दी लिखिए, फास्ट करिए। हाँ विदाउट यूजिंग सर्स नेम, हाँ वेरी सर, गुड, मेरा तो फोन का कर दिए चार्ज हो लिंक्डइन रहा में। अब बात सुनिए, लिंक्डइन में जब करेंगे प्रियांक वीडियो कॉल रखिए, इसको मैसेज करेंगे, जब इसको मैसेज करेंगे ना आप लोग, तो उसको बोलेगा हाय सर आई सॉ योर प्रोफाइल इज गुड, ठीक है, कैन यू प्लीज रेफर इन एक्सेंचर रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोफाइल। वो बोलेगा कहाँ से मिला मेरे बारे में आपको पता, आई जस्ट सॉ योर प्रोफाइल वॉज गुड रिकॉर्ड। इसको बोलना मत हमको माम ने भेजा है, वो भेजा तब नहीं करेगा, तो इतना लोग आता है तो दिमाग खराब हो जाएगा ना, वही बात है ना, वही चीज है। आई जस्ट सॉ योर प्रोफाइल इज गुड, बताओ ऐसे करके कहीं ना कहीं शक तो ही जाएगा, ठीक है। पर उसको उसको भेज देता है, ठीक है ठीक है। तो उसको बोला कि आई सॉ योर प्रोफाइल इज गुड, ठीक है, शाम को सुबह का टाइम करिएगा आराम से, अभी भी करेंगे तो कर देगा आपको, मतलब रिप्लाई करने में तेज है, यही काम है उसका असली काम यही है, ठीक है। सर फटाफट रेफर कर तो देता है, अभी तो कॉल तू तुम्हारा 2 दिन सीरियस में आ में जाएगा, वही कॉल रेफर तुम्हारा एक कर दो दे, दिन के अंदर ही शेड्यूल हो जाएगा, ठीक। क्या बोल रहा था वही, क्या बोल रहा बट जो था? अभी जो सीवी है वही सेंड कर देना अभी तो। हाँ वो भी चलेगा, एक पेज का सीवी कैसा भी है, एक्सेंचर में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ले लेते हैं। और अच्छा प्रोफाइल है, इट्स अ गुड प्रोफाइल, 9-10 लाख रुपए दे रहा है, ठीक है ना, एक जगह आपको मेहनत करके मिल रहा है, एक बिना मेहनत का मिल रहा है तो सही है क्या, पैसा तो उतना ही मिल रहा है, इट्स नॉट बैड, एमएनसी कल्चर है गुड, एकदम ले लेना चाहिए, ठीक है, सेफ्टी है कितना एकदम ऑफर कर बढ़िया। रहा है सर और वो? 9 लाख, 9 लाख तो दे गई, 8 लाख दे रहा होगा, क्या खराब है, 8 लाख इज नॉट बैड, एक बार के ले लेके रख लेना चाहिए, सब कुछ अच्छा है जीवन में, जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, देखिए मैं बोल रहा हूँ, एक है 8 लाख रुपया जॉब सिक्योरिटी, एक है 11 लाख में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कौन सा बढ़िया है 8 लाख जिसमें जॉब सिक्योरिटी है और वेरिएबल भी दे रहे हैं, बात समझ में आया, एक्सेंचर में जॉब सिक्योरिटी है, बिग फोर में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, बिग फोर में करता है उसको पता है, रेटिंग फोर देके पीआईपी में डाल देता है, तो वही है, कोई भी चीज खराब नहीं होता लाइफ में, समझ में आया, सबका अपना प्रोस एंड बाद कॉन में है। लोकेशन डे चेंज शिफ्ट कर की है, सकते हाँ हैं, क्या चीज, लोकेशन चेंज कर सकते एक्सेंचर हैं में बाद डे में? शिफ्ट की है, डे शिफ्ट नहीं देता, नाइट शिफ्ट ही देता है, इसलिए तो लोगों ना लोग जॉब सिक्योरिटी देता है ना जॉब सिक्योरिटी है, जल्दी से कोई कुछ तो करता लोकेशन नहीं चेंज है। कर सकते एक बात हैं, बता दी ना लोकेशन बिग भी फोर चेंज में, कर, एक मिनट रुक जाओ, एक बार बिग फोर में भी तुम जॉब करेगा ना तो तुमको रात को काम करवाएगा, करवाएगा तुम 9 बजे सुबह से लेकर रात का 3 बजे तक काम करवाएगा ही, वो लोग बोलेगा मार्च प्रेशर है, सितंबर है, ये है वो है, काम तो करवाएगा ही, ये लोग एटलीस्ट ये तो बोलते हैं रात को ही काम करवाएगा, सुबह नहीं कराएगा, ऊपर से हाइब्रिड मॉडल है, आपको हर दिन ऑफिस नहीं बुलाएगा, भले ही यस वो लोग बोलेगा हाइब्रिड 1-2 दिन घर में देगा, जैसे सीनियर हो जाएगा, क्योंकि काम ऐसा कोई वो नहीं है ना कि घर से आपको करना, घर से आपको पहले 6 महीना काम करवाएगा ऑफिस से, बोले घर से काम करो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, उनका और तो भी आपको टू डेज फायदा है, आप रेफर कर, वर्किंग हाँ, और रेफरल टू लिंक डेज भी अच्छा कमा सकते हैं वर्किंग चल रहा है उसमें, अभी। लोगों का इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, रेफरल लिंक भी सही है, इसमें वो बिग फोर का तो इंटरव्यू क्लियर नहीं होता लोगों का क्या क्या चीज, क्या बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे, कुछ सर बोल इनका रहे थे क्या? लोकेशन बेंगलोर ही है, और कोई भी मिल सकता है? बैंगलोर में मिलेगा तुमको अभी, उधर ही वैकेंसी, जहां पर भाई तुम ऑफर लेटर सेफ्टी के लिए रख रहा है, कल को तुमको ऑफ कैंपस में, कैंपस में नहीं मिला तो, और भाई बता दे तुम नहीं सर, 24%, फ्यूचर हाँ 24% कोई में अगर मिलता है लोकेशन कैंपस चेंज में, करवाना चाहे तो हो जाती है? मत बोलना अभी कुछ भी, मत बोलना बाद में भी मत बोलना, जॉब ज्वाइन करने के अभी दिक्कत हो जाती है, इसके लिए निकाल देते लोग यही कारण से निकाल, भाई लोकेशन आप कभी भी जिंदगी में मैनेजर को लोकेशन को चेंज करने के लिए वह भी मत बोलना,
जल्दी से मत बोलना जब तक तुम्हारा बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं बन जाए। तुमने लगता है कूडोस अवार्ड लिया है उठा के, तब तक तुम कुछ को लोकेशन के बारे में बोलना ही मत, और मैनेजर के बारे में तो बोलना ही मत कि हमको मैनेजर पसंद नहीं है, दूसरा दे दीजिए। कभी नहीं, एचआर के सामने कभी चुगली मत करना लोकेशन को लेके। है वो बोलते हैं भाई लोकेशन को बोल रहा है, इसका टाइम आ गया अब इसको। फिर गया पीआईपी होता है, पीआईपी पढ़ लेना, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान, हर जगह होता है पीआईपी। पता है ना पीआईपी क्या होता है? नहीं पता है आप लोगों को, गूगल कर लेना पीआईपी, दिस इज द कूलेस्ट वे टू फायर एम्प्लॉयज। ये सब चारन से ही हो जाते हैं वो, कोई भी तरीका का इनकन्वीनियंस हायर। ठीक है, तो मैं जो बोला ना आपको नंबर वन काम क्या करना है, मैसेज टू गौतम श्रीवती का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए ऑफर लेटर कैसे भी करके आपका अकाउंट में आ जाए मेल में। आपको दो फायदा है, गेटिंग ऑफर लेटर इन मेल हैज मेनी बेनिफिट्स। नंबर वन बेनिफिट क्या क्या बेनिफिट है आप लोग खुद बताइए। गेटिंग ऑफर लेटर इन बेनिफिट इन मेल विल हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। मेल में आना जरूरी हैज बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स है बताइए। बिफोर द कैंपस, बिफोर द कैंपस, वो भी बिफोर द कैंपस अगर आ जाए तो उससे बढ़िया कोई छू ही नहीं सकता है। गेटिंग एन ऑफर लेटर इन मेल हैज बेनिफिट्स बिफोर द कैंपस। नंबर वन बेनिफिट क्या है बताओ, क्या बेनिफिट है कैंपस से पहले एक ऑफर लेटर आ जाए मेल में, क्या होगा, क्या होगा प्रतीक? कैंपस में नहीं हुआ तो नेगोशिएशन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आएगा। नंबर हो वन जाएगा। लिखो, नंबर वन कॉन्फिडेंस लिखो, नंबर वन कॉन्फिडेंस जल्दी से मेरे रिप्लाई में लिखो। कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप कैंपस में कुछ भी हो, मेरे पास तो एक ऑफर लेटर है, चलो कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है, लिखो लिखो नंबर वन कॉन्फिडेंस। तो हमेशा कोशिश करो कि कैंपस के ऊपर, नहीं तो नहीं होगा तो कैंपस में आप आराम से नहीं देंगे, तो कैंपस कॉन्फिडेंस रहेगा। कॉन्फिडेंस वेरी गुड। नंबर टू क्या बोला था, कोई नहीं बोला था नंबर टू क्या बोला था, कुछ तो बोला था, क्या बोला था नंबर टू, कुछ बोला था, क्या बोला था? कैंपस में नहीं हुआ तो अपॉर्चुनिटी है अपने पास एक नेगोशिएशन, वेरी गुड। नेगोशिएशन थोड़ा इंप्रूव होता है, इतना नेगोशिएशन। नहीं, हाँ थोड़ा बहुत इंप्रूव होता है ऑफ कैंपस में। आप बोल सकते हैं देखिए नेगोशिएशन पहला ऑफर लेटर में एकदम नहीं, जो दे रहा है हाँ, लोकेशन यस 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 एवरीथिंग इज ओके या गिव मी ऑफर लेटर मेल। सेकेंड ऑफर लेटर में जब तक आप इंटरव्यू पूरा दे देंगे ना, वंस यू गिव एंटायर इंटरव्यू एवरीथिंग इज डन। अब आता है एचआर के पास कि सैलरी, एक्चुअली आई डिड नॉट से यू वन थिंग, आई ऑलरेडी हैव वन ऑफर लेटर एंड गेटिंग 10 लाख। जब वो बोलेगा हाउ मच, पहले तो उसको बोलेगा मैम हाउ मच यू आर जनरली यू गिव, पहले तो जब पूछेगा ना पहला ऑफर लेटर में व्हाट इज एक्सपेक्टेशन इन सैलरी, मैम व्हाट एवर इज द मार्केट रेट, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, आई एम अ सी ए अच्छा फ्रेशर राइट नाउ। सेकेंड ऑफर लेटर में मैम हाउ मच यू ऑफर, वी ऑफर 12 लाख, मैम आई डिड नॉट से यू वन थिंग, आई ऑलरेडी हैव ऑफर लेटर वर्थ 12 लाख, कैन यू प्लीज डू समथिंग, मैम कैन यू प्लीज डू समथिंग, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। उसको पूरा पोलाइटली बोलना है, गुस्सा होकर बोलेगा तो वो फिर नहीं करेगा, तो मेरा टाइम पास क्यों किया तुमने, तो बोले व्हाई डिड नॉट सेव मी अर्लियर, मैम आई थॉट यू विल नॉट बी अलाउ मी टू गिव इंटरव्यू ओनली, सो आई वांटेड टू गिव माय बेस्ट आउट हियर, आई गॉट 12 लाख मैम आउट हियर, प्लीज कंसीडर, लॉट ऑफ एक्सपेंसेस आर देयर इन बैंगलोर, आई विल रीलोकेट ऑल्सो, प्लीज कंसिडर मैम। ऐसे का प्लीज प्लीज बोलेगा तो वो तुमको ठीक ओके 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 आई विल ट्राई टू डू समथिंग, प्लीज प्लीज करना है ज्यादा करके। नेगोशिएशन हमेशा सेकेंड ऑफर लेटर में होना चाहिए, लिख लो लिख लो ये लाइन, नेगोशिएशन शुड ऑलवेज बी इन द सेकेंड ऑफर लेटर एंड डोंट डू नेगोशिएशन इन कैंपस, डोंट ट्राई टू। बहुत जन बोलता है मैंने नेगोशिएशन किया कैंपस में, उसको करने दो, तुम खतरों के खिलाड़ी वाला काम मत करो, कैंपस में मत करना नेगोशिएशन, डोंट डू नेगोशिएशन इन कैंपस। कोई किया तो कर लिया, अच्छी बात है, 1 लाख रुपया बढ़ाने के लिए 9 लाख भी अच्छे चाहेगा। डोंट डू नेगोशिएशन इन कैंपस, लिख लो, डोंट डू नेगोशिएशन इन कैंपस, डोंट डू नेगोशिएशन इन कैंपस, कैंपस में होता ही नहीं है, मैं तो दिखा नहीं जल्दी से, डोंट ट्राई टू डू नेगोशिएशन इन कैंपस, क्योंकि वो लोग अपना फिक्स लेके आता है जितना देना है, समझ में आया, डोंट डू नेगोशिएशन इन कैंपस। देखो फर्स्ट अटेम्प्ट को इज्जत नहीं दे रहे लोग, मुंबई वही कंपनी आ रहा है वही आ रहा है, तो लोग कोई वो नहीं है, रैंक होल्डर को इज्जत नहीं है लोग का, कोई ये लोग का फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कैंपस में एकदम भी नेगोशिएशन नहीं करिए, ऑफ कैंपस में नेगोशिएशन करना है बट इन द सेकेंड ऑफर लेटर। तो याद रखना नेगोशिएशन शुड बी ओनली बी इन, नेगोशिएशन शुड ओनली बी इन ऑफ कैंपस इंटरव्यू, दैट ऑल्सो इन द सेकेंड ऑफर लेटर, दैट ऑल्सो इन द सेकेंड ऑफर लेटर ओनली, ओनली दैट
आफ्टर ऑल राउंड्स आर ओवर, आफ्टर ऑल राउंड्स ऑफ इंटरव्यू इज ओवर, ये भी याद रख लेना, ये भी याद रख लेना, सब इंटरव्यू खत्म होने के बाद। और जब आपको एक ये करे एचआर बहुत चालाक होता है, आप जब इंटरव्यू कॉल आता है ना एचआर का कॉल, तभी वो पूछ लेते हैं हैव यू गिवन एनी अदर इंटरव्यू बिफोर, उस टाइम पहले स्टार्टिंग में नो बोलना है, पहले स्टार्टिंग में नो बोलना है, पहले यस बोल देगा तो वो पूछेगा कहाँ पर मिला, तुम बोला मेरे को 12 लाख का मिल रहा है, तो इधर क्यों पेन और टाइम पास करेगा, फिर हम तो कॉल ही शेड्यूल ही कराता है, तो पहले नो बोलना है। अब बाद में इंटरव्यू अच्छा चला गया ना, फिर बाद में आके यस बोल देना है, एक्चुअली आई हाइडेड यू वन थिंग मैम, आई ऑलरेडी हैव ऑफर लेटर। वो गुस्सा तो होगी पर उसको फिर बोला एक्चुअली आई वॉन्टेड टू से यू बट आई थॉट कि यू विल नॉट अलाउ मी टू गिव इंटरव्यू ओनली एंड दिस वॉज माई पैशन प्रोफाइल। फिर पूछे वाई यू रिजेक्टेड द फर्स्ट ऑफर लेटर, एक्चुअली द फीस वॉज, और को ग्रीडी नहीं दिखना चाहिए तुम, एक्चुअली मैम द प्रोफाइल वॉज गुड बट माई फादर्स वॉर नॉट अलाउइंग, पेरेंट्स वॉर नॉट अलाउइंग इट, आई वॉन्टेड टू गो बट पेरेंट्स सेइंग द लोकेशन वॉज द प्रॉब्लम, प्रोफाइल वॉज लिटल प्रॉब्लम, तो दे वर नॉट अलाउइंग, बट आई वॉज ऑलवेज विलिंग टू गो देयर ऑल्सो। आप अपने आप को ग्रीडी मत दिखाओ, सारा दोस्त पेरेंट्स को लगा। सर नेगोशिएशन में आपको ग्रीडीनेस नहीं दिखाना है, पर रिक्वेस्ट करना है कि खर्चा बहुत है ये तो अब वो थोड़ा बहुत पैसा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, पर वो नहीं बढ़ाता तो मान जाओ थोड़ा बहुत बढ़ा सकता है, 10-20% आपको हाइक मिल सकता है, ऑफर लेटर रहेगा 20% का ही है, ये हो गया नेगोशिएशन का बेनिफिट, कॉन्फिडेंस का बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस नेगोशिएशन ऑलवेज। एक और आपको बेनिफिट है मैं आपको बता रहा हूँ, मान के चलो आपको कैंपस में एक भी ऑफर लेटर नहीं मिला, हो ही सकता है आपका वीडियो ऑडियो ऑन नहीं हुआ, कोट भी पहन के जाना है, कोट होना चाहिए याद रख लीजिएगा, कैंपस में कोट इज मैंडेटरी, ब्लेजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ब्लेजर में इन्वेस्ट कर लीजिए बहुत फर्क पड़ेगा, समझ गए, तो ब्लेजर इज मैंडेटरी, टाई होने से और अच्छा है, और अच्छा से होके चाहिए, क्लीन सेव्ड लिख लीजिए, ये सब चीज हम लिख देते हैं, फिर से पर्सनैलिटी का पार्ट है, क्या क्या चीज, एक तो ब्लेजर, और बैकग्राउंड में क्या कर सकते हैं? बैकग्राउंड का कुछ कर नहीं सकते, बैकग्राउंड का मैं आपको बताऊं, पर्दा लगा लीजिए एक तो यूट्यूब का, क्योंकि वो लोगों को आप अच्छा लगाया पर्दा प्रियंक, वेरी गुड, पर्दा इज गुड, तो आपने पर्दा के ऊपर काम किया, वेरी गुड, ऐसे ही पर्दा लगा लीजिएगा एक ठो, एकदम क्लीन करते ना वो वाला जो ठीक है पर्पल सर, वाला ना, ओके। आप जो पर्पल वाला किया है ना उसको पूरा एकदम ऐसे कर दीजिए तो और अच्छा लगेगा, दो दो कलर अच्छा नहीं लग रहा है, एक को थोड़ा ऐसे करिए ठीक पूरा, ऐसे ऐसे होके रखा है ना उसको पूरा ऐसे कर दीजिए, मतलब लगना नहीं चाहिए कि वो बैकग्राउंड है, दीवार बना लीजिए उसको खोल और दें अच्छा उसको, पूरा लगेगा, खोल दें। हाँ उसको पूरा खोल दीजिए, एक तो ब्लेजर, नंबर टू कर्टन, कर्टन कलर इज ऑल्सो गुड, योर कर्टन का कलर लगा लीजिए इन द बैकग्राउंड, कलर हम बता देते हैं, मरून लगा लीजिए, पर्पल लगा लीजिए, डार्क पर्पल आप जैसे लगाए ना ऐसे डार्क कलर, दिस इज गुड, ठीक है सबको अच्छा लगेगा बैकग्राउंड। नंबर थ्री क्या कर सकते हैं, ब्लेजर टाई, ये लैपटॉप होना चाहिए आपके पास, भाई बिना लैपटॉप का खतरनाक काम नहीं करेगा, मोबाइल अगर लैपटॉप खराब हो गया तो मोबाइल से दे दीजिए, यू कैन गिव इंटरव्यू फ्रॉम मोबाइल, यू कैन गिव इंटरव्यू थ्रू मोबाइल, थ्रू मोबाइल ऑल्सो यू कैन गिव इंटरव्यू, नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन गिव इफ इफ लैपटॉप नॉट वर्किंग, बट इन्फॉर्म द इंटरव्यूअर वंस, बट इन्फॉर्म द इंटरव्यूअर वंस वंस, इसके बारे में इन्फॉर्म कर दीजिए। अब नंबर फाइव आपको ये याद रखना है, वाईफाई अच्छा ले लीजिए, इंटरव्यू के लिए ले लीजिए वाईफाई, वाईफाई में खर्चा करिए, आप बोल रहा था ना दिव्या वाईफाई इंटरव्यू के लिए बहुत जरूरी, आपको तो बहुत अच्छा इंटरनेट है भाई, ठीक है, मोबाइल हॉटस्पॉट भी चाहिए और वाईफाई, ये इंटरव्यू के लिए जरूरी होगा, यहाँ के लिए जरूरी नहीं है, मैं बोल दूँ इंटरव्यू में आपका बाई चांस उस दिन खराब हो गया हॉटस्पॉट तो अब तो बर्बाद हो गया, सोचिए आप पूरा मेहनत करके किया और वहां पर मैं आपका इंटरनेट नहीं काम किया तो क्या, आप तो समझ रहे हैं ना मेरा बात को, क्योंकि देखिए ऑफ यस कैंपस सर, में क्या है ना, ऑफ कैंपस में आपको बता देता है, इन ऑफ कैंपस इफ योर इंटरनेट इज नॉट वर्किंग दे मे रीशेड्यूल योर इंटरव्यू, इन कैंपस इफ योर इंटरनेट इज नॉट वर्किंग गॉन, बहुत लोगों का मेरे साथ हो चुका है ये चीज, ओके वो लोग का इंटरनेट काम नहीं किया बर्बाद, एक लड़का था जिसका पीडब्ल्यू सी एच डी सी में इंटरनेट काम नहीं किया रिजेक्ट, बट उसका बीपीसीएल में नौकरी लग गया, ही वॉज लकी ही गॉट जॉब इन बीपीसीएल, उसके बाद उसका बीपीसीएल का ना पीएसयू जॉब लग गया, क्या पता अगर बीपीएस, देखो डेस्टिनी, डेस्टिनी इज देयर, पीडब्ल्यू एच डी सी में इंटरनेट खराब कर दिया भगवान ने, और पीएसयू के टाइम में उसका इंटरनेट सही हो गया, सब ऊपर वाला का लीला है, समझ रहे हैं ना, सही बात है। और कोई था उसका पीडब्ल्यू सी एच डी यस सी में भी नहीं लिया, पीडब्ल्यू सी एच डी सी में ना सबका इंटरनेट खराब हो जाता है, और ईवाई जीडीएस में वो लोग का इंटरनेट खराब हो जाता है, वो लोग का इंटरनेट खराब हो गया तो आप बर्बाद हो गया, आपका इंटरनेट खराब हो गया तो बड़े बर्बाद है,
तो दोनों तरफ पे इंटरनेट, उसका भी इंटरनेट का आपको ही ठेका लेके रखना पड़ेगा। दिस इज बिग प्रॉब्लम, टेक्निकल इशू आ जाता है उनका। सामने वो अगर वो सामने वाला का इंटरनेट खराब हुआ ना, जाने तुम्हारे तुम्हारे ऊपर में ओलवा आएगा, उसका भी याद रखना। एक नंबर सिक्स ये चीज है, वाला, सर तो उनका कोई उपाय नहीं है, नो प्रॉब्लम, नथिंग यू कैन डू। वो लोग बोलेगा भी नहीं, वो लोग का इंटरनेट खराब है, वो लोग थोड़ी ना बोलेगा, वो लोग थोड़ी ना बोलेगा इंटरनेट खराब है वो लोग का। कैसे और एक चीज याद रख लीजिए, ये तीन चीज आपको अच्छा से आना चाहिए, वीडियो ऑडियो ऑन होना चाहिए एनी टाइम, वीडियो ऑडियो ऑन, ये चीज लिख लीजिएगा। ये सब क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, अगर इतना क्राइटेरिया हो गया उस दिन कुछ ना कुछ तो बोल के आ जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, 10-12 लाख 15 लाख का सवाल है ना, यू विल बी एबल टू स्पीक समथिंग, आई एम टेलिंग यू दिस। जस्ट आपका ब्लेजर टाई कोट अच्छा से क्लीन सेव, और लड़कों के लिए मैंने क्या बोला, क्लीन सेव, पूरा क्लीन होके जाइएगा, फॉर मेल्स पूरा क्लीन सेव्ड, फुल क्लीन सेव्ड, चूल छोटा, ठीक है, हेयर एकदम छोटा, हम लोग को टाइम नहीं मिलता करने का, पर ये सब चीज जरूरी है, ठीक है। शॉर्ट हेयर क्या बोलेंगे उसको, शॉर्ट हेयर बोलते हैं ना, ये सब चीज देखता है क्योंकि वो लोग, शॉर्ट हेयर, सर, ठीक है। हाँ जी, क्या चीज, गर्ल्स के लिए ओपन हेयर या फिर पॉनीटेल? बांध बांध के रखे, बांधने वाला ठीक रहता है। पर एक चीज हम आप लोगों को एक सजेस्ट, आपका जो लेंस होता है ना, लेंस पतला पहनने का कोशिश करिएगा, लेंस जैसे आप रियांग जो लेंस पहना है वो पढ़ने वाला बच्चा का लग रहा है थोड़ा, हो सकता है तो ऐसे तो खर्चा करने का नहीं बोलना चाहता है, लेंस काट कर लीजिए, थोड़ा सा रिमलेस चश्मा लेने का कोशिश करिए, थोड़ा सा पर्सनैलिटी अच्छा लगेगा, ठीक है। ऐसे ठीक है ये वाला भी, पर एकदम ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तू पढ़ने वाला बच्चा है। आपका भी जो चश्मा है दिव्य थोड़ा सा होता है, इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट टाइम का फिर पर्सनैलिटी के लिए तो अच्छा लगेगा, मतलब रिमलेस लीजिए, रिमलेस, ये सजेशन, इतना खर्चा करने का दरकार नहीं है, पर रिमलेस होने से अच्छा रहेगा, अगर है तो अच्छी बात है। रिमलेस क्या बोलते पर वो हैं, तो रखा हुआ लगाया नहीं है स्पेक्स, बस। हाँ जी हाँ, अगर है तो बढ़िया है, स्पेक्टिकल्स बोलते हैं ना, रिमलेस लेने का कोशिश करिए, पर्सनालिटी का पार्ट होता है, अच्छा लगेगा। एक और चीज में इन्वेस्ट करिए, रिंग लाइट, मैं आपको दिखा देता हूँ रिंग लाइट, ठीक है। अभी अभी आ गया ना लाइट, अभी देखिए लाइट चला जाएगा, ठीक है, लाइट अंधेरा तो आपका थोड़ा सा लाइटिंग होना बहुत जरूरी है, जैसे लाइट, जैसे अभी प्रदीप का देखिए लाइट पूरा अच्छा से आ रहा है, पूरा सूरज देवता बैठ के रखा है लाइट में, राइट, लॉट ऑफ लाइट इज कमिंग ऑन द प्रदीप फेस, पर दिव्या का लाइट नहीं थ्रो कर रहा है, अंकित का लाइट बहुत डल है, लाइट प्लेज अ बिग पार्ट। तो आपका एक चीज और में थोड़ा सा ये सब इंप्रूव करेंगे ना, आपको पता है वहां पर में अच्छा लगेगा। देखो वो लोग क्या देखेगा, देखो वो लोग को क्या लगता है ना, सी एवरीबडी नोज कि सीए हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज, राइट, दे आर हायरिंग पीपल वो आर गुड इन पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन, और ये सब पर्सनैलिटी का पार्ट है। ऐसे कैसे ही आ गया, इतना तो मेरे को ही बोल देता बहुत लोग, ऐसे ही आ जाता है ऐसे करके, आदमी तो जज करता है ना, दिस इज द थिंग, वी आर जजिंग कंटिन्यूअसली, तो जितना हो सके वी नीड टू बी प्रेजेंटेबल इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, ठीक है। तो नंबर 10 क्या बोल रहा था मैंने, क्या बोला था नंबर 10, ये कौन सा पॉइंट था मैंने, वो जो बोला कौन सा बोला था पॉइंट, कुछ तो बोला था सर मैंने, क्या बोला सर्किल था, लाइट, हाँ रिंग लाइट, इसको बोलता है रिंग रिंग लाइट, लाइट लाइट बोलता है, रिंग बोला था लाइट, रिंग लाइट, मैं दिखा दूँ, 400-500 का खर्चा है, ऐसे जरूरी नहीं है, पर लाइट में ये सब चीज करना चाहिए। एक रिंग लाइट होता है, मैं देखो मैं पीछे का दिखाता हूँ, पीछे में एक लाइट होता है जो हम लगा के रखा है, ऐसा एक आप लोग लाइट लगा लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, एक लाइट लगाइए, बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है, पर इससे ना आपका अच्छा रोशनी आएगा एकदम, 200-450 में अमेजन में मिलता है, थोड़ा सा ये सब चीज में आप लोग का बहुत अच्छा, आप यूट्यूबर भी बन सकते हैं, बहुत अच्छा काम आएगा, रोशनी एकदम थ्रो करता है एकदम राइट में, इसमें कलर भी चेंज होता है, आपको दिखा देता हूँ, कलर भी अलग अलग टाइम का चेंज, ठीक है, अलग अलग कलर भी चेंज हो सकता है, देखिए अभी कलर बदल दिया ना, ये देखिए कलर देखिए बदल जाता है, कलर देखिए कलर अलग अलग बदल सकते हैं आप, अच्छा लग रहे हैं है ना दिन का टाइम में, तो ये चीज है, या तो आपको ऐसा जगह बैठिए जहाँ सूरज का रोशनी आपको एकदम राइटली थ्रो करता है आपका। अनदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, नंबर 11, साउंड प्लेस, साउंड प्लेस में बैठिए, नो नॉइज शुड बी देयर, नो नॉइज शुड बी देयर इन इंटरव्यू, मतलब कोई भी तरीका का डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, ये ध्यान सर दीजिएगा, जो जिससे क्या हो सामने वाले को वो हो जाए, क्या क्या चीज, सर ईयरफोन लगाना कंपलसरी है, नॉर्मल भी हम कर सकते नॉर्मल हैं। लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे वर्जन टेस्ट डिलॉइट वैसे इस बार आया नहीं, नहीं तो वर्जन टेस्ट में अच्छा हेडफोन होना बहुत जरूरी होता है, गुड हेडफोन, गुड हेडफोन आपको सुनाई दे वो ऐसा होना चाहिए हेडफोन, ठीक है, आपको सुनाई देने के लिए, ये सब आप ना थोड़ा सा एक्सेसरीज के ऊपर में पता होना चाहिए, ये सब चीज जरूरी है, एटलीस्ट क्लीन सेव तो होना बहुत जरूरी है, बिग फोर में जाएंगे किधर भी इंटरव्यू जाएंगे, मान के चलिए 15-20 लाख रुपए का नौकरी में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टार्टअप में जा रहे हैं,
स्टार्टअप में इंटरव्यू देने जा रहे हैं और पूरा क्लीन शेव नहीं होके गए, वो लोग तो आउट कर देगा सीधे ही। उन लोगों को नॉलेज से मतलब नहीं है, उन लोगों को लगता है सीए तो नॉलेज तो आता ही है। उन लोगों को सबको पता है सीए तो नॉलेज तो हो गई, हमेशा सबको ये लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नोन फॉर नॉलेज, उसके पास तो नॉलेज है ही। वो लोग देख रहे हैं पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन, पूरा एकदम आप बन के चल जाएगी उधर में, हाँ पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन तो वही है, तो वो चीज में आप लोग को काम करना पड़ेगा, पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन। इसलिए मैं लिंक्डइन में सबसे जरूरी क्या बोला था, लिंक्डइन में फोटो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फोटो ऐसा लगाइए देखिए लगे कि आप ही मतलब है रैंक होल्डर का, क्या पर्सनैलिटी बना लीजिए, पूरा पर्सनैलिटी मैटर करता है। आजकल क्या लिंक्डइन में फॉलोअर कैसे बढ़ा रहे हैं लोग, फोटो डाल डाल के बढ़ाते हैं भाई, कंटेंट तो कुछ होता ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, टाइम नहीं से वही करता है। इंस्टाग्राम में कैसे हो रहा है, रील डाल के, एल्गोरिथम ऐसे काम करता है, वही चीज है। तो पर्सनैलिटी बिल्कुल रियली मैटर करता है आपका, कंटेंट हो चाहे नहीं हो, पर्सनैलिटी बहुत मैटर करता है। हम लोग को टाइम नहीं मिलता है उसे करने का, तो वही चीज है, पर पर्सनैलिटी मैटर करेगा आपका इंटरव्यू में। आपको भी देखना कितना बार आप लगेगा भाई सामने वाला ग्रो कर दिया, सामने वाला यू थॉट कि आई हैव मच बेटर नॉलेज देन दैट पर्सन, बट सामने वाला अच्छा ग्रो कर दिया, क्यों? क्योंकि सामने वाला थोड़ा सा पर्सनैलिटी अच्छा था उसका। तो ये चीज आके सब ये सब ही आता है पर्सनैलिटी में, और कुछ नहीं आता है पर्सनैलिटी में, ये आता है पर्सनैलिटी में। एक चीज और आता है, आप मान के चलो आप लड़का है ठीक है, आपको हमेशा व्हाइट शर्ट पहनना चाहिए, व्हाइट शर्ट ब्लैक ब्लेजर, तो दिस इज ब्लैक कलर नहीं चलता है। आप जो ब्लैक कलर पहना ना वर्दी, मैं एग्जाम्पल दिया हूँ, ब्लैक कलर मत पहनिएगा इंटरव्यू में, व्हाइट शर्ट, व्हाइट ब्लू ठीक है। और एक कोई कोई चेक शर्ट पहन के चल जाता है, चेक शर्ट एकदम अच्छा नहीं लगता है। वो सब हम आपको बता दिए, वो सब चीज जरूरी है, ब्लेजर और व्हाइट शर्ट या ब्लू शर्ट। अब लड़कियों का थोड़ा मुश्किल होगा, कृति जैन को पूछ लेना जो अच्छा से बता देगी उसके बारे में ठीक है, इस कार में। पर ये चीज है, ये सब आप अच्छा से करके जाएंगे ना तो आप इंटरव्यू में आपका वो देखेगा कि भाई ये पूरा आप भी तो ज्ञान उस दिन तक आप पूरा ज्ञान तो आपके पास आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो बोल के आ ही जाएगी उधर में, है ना। और इंग्लिश तो मोटा मोटी ठीक ठाक बोल ही देता है उधर में इंसान, ये सब चीज के लिए रेडी नहीं रहता हम लोग। तो ये सब अगर रेडी कर लिए ना, वीडियो ऑडियो और एक अच्छा सा कुछ रिंग लाइट, कुछ अच्छा लाइट थ्रो कर लिया, लैपटॉप ऑन है और वाईफाई, वाईफाई नहीं तो दो हॉटस्पॉट, लिख लो मिनिमम टू हॉटस्पॉट, मतलब दो इंटरनेट कनेक्शन, 13 नंबर मिनिमम टू इंटरनेट कनेक्शन। एक इंटरनेट आपका धोखा दे दिया उस दिन, मिनिमम टू इंटरनेट कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एयरटेल जियो, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है इंटरव्यू में। इंटरनेट इज रियली इंपॉर्टेंट, इट्स लाइक अ पेन इन एन एग्जाम, एग्जाम में पेन जितना इंपॉर्टेंट होता है, कैलकुलेटर आपका एग्जाम में, इट्स लाइक कैलकुलेटर, इट्स लाइक कैलकुलेटर इन व्हाट, SFM एग्जाम, SFM है ना, SFM एग्जाम। इंटरनेट इज रियली मैंडेटरी, इंटरनेट के ऊपर में कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा उस दिन, वो आधा एक घंटा में इंटरनेट आपका अगर साथ नहीं दिया तो बहुत दुख होगा ठीक है। इंटरनेट बस ये सब चीज में रख लीजिए, अभी तो होमवर्क मैंने यही दिया था, ये सब आप रेडी रखिए, क्योंकि ये सब चीज पहले रेडी रखना जरूरी है भाई। पढ़ाई तो कभी भी कर लो, 2 दिन पहले पढ़ लो तो पास हो जाएगा, इतना तख्ती है हम लोग में कि हम लोग 2 दिन पढ़ लेके तो निकाल देंगे, बताए। ये सब चीज अरेंज नहीं होता दो लास्ट मिनट में, कपड़ा भी रेडी रखना चाहिए, सब चीज पहले से रेडी रखो। अभी तो एक चीज में जो बोला था ना ऑफ कैंपस में, मैंने क्या बोला था ऑफ कैंपस में, मैंने एक चीज बोला था कि गौतम श्रीनिवासन को आप लोग दे देगा उसको, गौतम श्रीनिवासन को दे दिए, ये सब जो एरिया बताया ये सब रेडी रखना बहुत जरूरी है, लिख के ये सब चीज मेरे पास पहले से होना चाहिए। वैसे आप लोग क्या सब कुछ है, मैं देख रहा हूँ, कोट वोट होना चाहिए, ब्लैक ब्लेजर होना बहुत जरूरी है, व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक ब्लेजर आपके पास। मैं बताऊँ ना उस दिन आपने ना, एक और चीज आप लोग को बता देता है, कैंपस का एक रूल है, कैंपस में एक चीज रूल बता देता है और ऑफ कैंपस का एक रूल है, ये भी आप लोग अच्छा से लिख लीजिए, कैंपस ऑफ कैंपस एक रूल है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैंपस में आंसर पता हो चाहे नहीं पता हो गैस वर्क कर दीजिए उस दिन, कुछ ना कुछ बोल के जरूर आइए, डोंट से दैट आई डोंट नो एनीथिंग, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, ट्राई टू से समथिंग टू गैस वर्क माइट वर्क फॉर यू। ऑफ कैंपस में डोंट डू गैस वर्क, क्योंकि ऑफ कैंपस में क्या होता है लंबा इंटरव्यू चलता है, 2-3 इंटरव्यू होता है, वो आराम से ले रहा है इंटरव्यू, तो ही इज लिसनिंग टू यू प्रॉपरली, तो डोंट डू गैस वर्क, जस्ट ऑपोजिट। पर कैंपस में ट्राई टू डू सम गैस वर्क, जस्ट अगर एक बार गैस वर्क किया और सामने वाला आपको करेक्ट किया तो समझ जाना सामने वाला चालू है, मत मान के चलिए अगर सामने वाला सीए है तो ऑलरेडी उसको नॉलेज है, हो सकता है कैंपस में आपको जो इंटरव्यू ले रहा है वो सीए नहीं हो, कोई और हो, तो वो खाली क्वेश्चन उसका आंसर नहीं हो, तो तुम जो भी बोलेगा खुशी है, क्या पता खाली तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख रहा हूं मैं,
तो ये चीज लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच आई सेड ना, नंबर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कैंपस में, आपका कैंपस में लिख लीजिए दिव्या अंकित, ये सिर्फ लिख लीजिए, कैंपस में कॉन्फिडेंस इज की, डू गेस वर्क इवन इफ यू डोंट नो द आंसर एंड ट्राई टू लुक कॉन्फिडेंट इन देम, मतलब आंसर झूठ भी बोल रहे तो अपना कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, इट यू शुड नॉट लुक वरीड इन फ्रंट ऑफ देम, दे आर जस्ट चेकिंग योर रिएक्शन कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसको भी क्या पता आंसर नहीं पता हो, मे बी ही ऑल्सो डोंट नो द आंसर, ही जस्ट चेकिंग योर आईज टू नो कि वेदर सेइंग द आंसर राइट और रॉन्ग, तो जस्ट ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ देम, लिख लीजिए राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू गैस एनीथिंग एंड बी कॉन्फिडेंट, आई कॉन्टेक्ट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, आई कॉन्टेक्ट पूरा स्ट्रेट रखने का कोशिश करिएगा, आई कॉन्टेक्ट का पार्ट लिख लीजिए, आई कॉन्टेक्ट में आप लोग एक चीज लिखेगा, सी राइट क्लिक टू द कैमरा ऑफ द लैपटॉप, आई कॉन्टेक्ट का लिख लीजिए, आई कॉन्टेक्ट में लिख लीजिए, सी केयरफुली टू दी लैपटॉप को देखते रहिएगा, अगर लैपटॉप से, लैपटॉप से देना चाहिए, ऑलवेज गिव फ्रॉम लैपटॉप, तो सी द कैमरा ऑफ द लैपटॉप, डोंट ट्राई टू सी इन द आईज ऑफ द इंटरव्यूअर, मे बी इंटरव्यूअर तुम है, मे बी मैं इंटरव्यूअर हूं, मैं तुमको सवाल पूछ रहा हूं, तुम मेरे को मत देखो, तुम कैमरा को देखो, लुक एट द कैमरा ऑफ द लैपटॉप, डोंट फोकस ऑन द इंटरव्यूअर आईज, यू विल फॉरगेट द आंसर बिकॉज ऑफ द नर्वसनेस, ठीक है, तो ये लिख लो मैंने जो बोला ना, ये चीज को लिख लो, लुक एट द कैमरा ऑफ लैपटॉप एंड नॉट द इंटरव्यूअर आईज, दिस विल इनेबल यू टू स्टे कॉन्फिडेंट, ठीक है, और उसको भी लगेगा तुम उसको ही देख रहे हैं, एंड ही विल ऑल्सो फील दैट यू आर लुकिंग एट हिम, दैट यू आर लुकिंग एट हिम और हर, ये चीज भी याद रखना, इससे तुमको ज्यादा टेंशन नहीं होगा, समझ में आया, ये छोटा छोटा चीज अपना गलती नहीं करेंगे, तो आप देखना जल्दी से, और कॉन्फिडेंट, और हम हम्बल रहना इंटरव्यू में, पर फंबल नहीं करना है, हम्बल मतलब जो भी आंसर दे पोलाइटली देना, पोलाइटली देना, पोलाइटली देना है, स्माइल करते रहना है, स्माइल स्माइल स्माइल, बट फंबल नहीं करना है, फंबल कमती से कमती करने का कोशिश करिए, लिख लीजिए जो मैंने बोला ना, बी हम्बल बट नॉट फंबल इन इंटरव्यू, द मोर यू फंबल हाई चांसेस को लगेगा कुछ ज्यादा नहीं है, बी हम्बल बट नॉट फंबल, हम्बल रहना पूरा इंटरव्यू में, हम्बल रहना मतलब जो भी आंसर हो रहा है स्माइल करके देना है, बट डोंट डू हम फंबल, फंबल जितना करेगी उतना ज्यादा नहीं लेगा, अगर आपको आंसर थोड़ा आता है तो शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करिए, लिख लीजिए इस लाइन को जो मैं बोला ना, बी हम्बल बट नॉट फंबल ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इफ यू डोंट नो द आंसर यूज शॉर्ट सेंटेंसेस, छोटा छोटा सेंटेंस बना के खत्म कर दो, आंसर ऐसे खत्म करो कि आंसर तुम्हारा खत्म हो गया, जब तुमको पता चल जाए ना कंटेंट खत्म हो गया, तुम आंसर उधर ही खत्म कर दो अपना, सामने वाले को पता ही नहीं चले, उसको लगे कि आंसर इतना ही है, ये लिख लीजिए लाइन जो मैंने बोला ना, बी हम्बल नॉट फंबल, जितना फंबल करोगे उतना वो नहीं लेगा सामने वाला, डोंट ट्राई टू फंबल इन द इंटरव्यू, द मोर यू फंबल द हाई चांसेस यू विल गेट रिजेक्टेड, ये लिख लो लाइन को जो मैंने बोला अभी, बी हम्बल नॉट फंबल, द मोर यू फंबल द हाई चांसेस दे विल रिजेक्ट यू, यूज शॉर्ट सेंटेंसेस, इफ यू फील दैट यू डोंट नो द आंसर यूज शॉर्ट सेंटेंसेस, ठीक है, ठीक है, मेरा हो गया आई थिंक, ये सब मैंने क्लियर कर ही दिया, ध्यान को दे दिए, गौतम श्रीनिवासन, EY GDS, KPMG और इंफोसिस, प्रियांक गंभीर तुम्हारा कौन सा इंटरव्यू था भाई कैंपस में, आनंद राठी, बस वही है तुमको भाई, इधर में ज्यादा ध्यान देना है, प्रदीप का EY GDS है, अंकित का तो चलो सर मैं एक्सेंचर है, टीआर चड्डा का स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए जो आपने फाइल प्रोवाइड करी है बस वही पढ़ लूं, और भी कुछ है बस टीआर चड्डा के हाँ लिए बस स्पेशल? बस बस वही करना है कंप्लीट, तो मैं जैसे बताया ना, आप लोग क्या करेगा ना सब जन, आप लोग की जो फाइल्स दी है ना, फाइल्स को कंप्लीट करने का कोशिश करेगा, जो मैंने क्वेश्चंस बोला है ना, क्वेश्चंस को कंप्लीट करने का कोशिश करेगा, जैसे ऑडिट मटेरियलिटी, ऑडिट दिस, ऑडिट मैंने जो लिखवाया है ना, ये P2P और प्रोसेस, ये सब चीज, ये क्वेश्चंस को आप खोजेगा वो फाइल में, क्वेश्चंस का आंसर खोजने का कोशिश करेगा, बात समझ में आ रहा है, जो मैंने क्वेश्चंस लिखवाया है ना, मैं बोला ना आप लिखवाया क्यों,
आप खाली क्वेश्चन का आंसर खोजने का कोशिश करिएगा और रटने का कोशिश मत करिएगा। मैंने जो बोला फिर से सुन लीजिए, खाली वो जो क्वेश्चन लिखा है ना, बॉडी ट्रिक्स टाइप ऑफ बॉडी ट्रिक कंट्रोल टाइप ऑफ कंट्रोल, ये वो सारा इधर से पढ़ लीजिए, चैट जीपीटी यूज कर लीजिए, थोड़ा और कोई मटेरियल तो यूज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। पर जो क्वेश्चंस का आंसर खोजने का कोशिश करेगा और सब कुछ क्या करेंगे, याद कैसे करेंगे, हम लिखवा देते हैं, यू विल लर्न एवरीथिंग बाय राइटिंग इन द नोट पैड। ये लिख लीजिए दिव्या, आप लिख लीजिए, दिस इज गोइंग टू रियली हेल्प यू। यू विल मेक योर नोट पैड, यू विल राइट एवरीथिंग, यू विल लर्न एवरीथिंग जस्ट राइटिंग इन द नोट पैड, और नोट पैड बहुत ज्यादा काम आएगा, राइटिंग एवरीथिंग इन द नोट पैड, जितना लिखेंगे वो लॉन्ग टर्म तक काम आएगा आपका। तो जो भी ऑडिट रेक्स ऑडिट मेटेरियलिटी ये बस लिखते जाएंगे, याद करने का कोशिश नहीं करेंगे, आप लिख के बस है ना उसको देखते रहिए, बस रात को, रात को दिन को बस देखते रहिए जो आप लिखा है, अच्छा है नेटिंग में लिखेंगे, यू विल जस्ट राइट इट डाउन, ऑडिट मेटेरियलिटी, ऑडिट रिस्क, ऑडिट कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल, हाउ डू यू स्टार्ट ऑडिट, हाउ डू यू क्लोज ऑडिट, जहां पर मैं डाउट आएगा डाउट को एक जगह लिख लेके मेरे साथ एक साथ डिस्कस कर लेके, इंडेक्स 115 116 ये सारा चीजें कंप्लीट करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट फाइल मैंने जो बोला ना, जो सबसे जरूरी है, एक तो ये जो एक्सेल का फाइल्स जितना भी है ना, ये सबसे जरूरी है, शेयर नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैंने जीडीएस यूएसआई केजीएस लिखा है ना, और जो जीएसटी कोर स्टैट इंटरनल ऑडिट का, डिलॉयट यूएसआई पीडब्ल्यूसी एसडीसी, भले डिलॉयट यूएसआई नाम है, ईवाई जीडीएस याद रखना, ईवाई जीडीएस और एसडीसी, डिलॉयट यूएसआई, केपीएमजी ग्लोबल, आंसर क्वेश्चन एक जैसा ही होता है हर जगह, क्वेश्चन एक जैसा ही होता है हर जगह, तो आपको सारा पढ़ना है, ठीक है। तो ये वाला मटेरियल एक्सेल शीट को अच्छा से कंप्लीट करना है, फिर जो इंटरनल ऑडिट का फाइल दिया है ना वो भी खत्म कर लेना है, तो ये जो फाइल्स खत्म करने में ना, फिर आई इनडायरेक्ट टैक्स भी खत्म कर लेना है, आईडीसी, इसको खत्म करने में मैं आपको बोल रहा हूँ। और ये जो पीडीएफ फाइल है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पीडीएफ फाइल है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो दिया है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर ये वाला जो दिया ना क्वेश्चन बैंक, ये तो पूरा ही पूछा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबको खत्म करना है। ये खत्म करने में मेरे हिसाब से कितना टाइम लगना चाहिए, मेरे हिसाब से 2 दिन, चलो 5 दिन, मैक्सिमम 5 दिन, उससे ज्यादा लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, ऑफ कैंपस में वैकेंसी खत्म हो जाएगा, फिर 1 महीना के बाद ये प्रॉब्लम आ सकता है थोड़ा बहुत। इसका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो छोड़ो, उसको आर्टिकल शिप है तो उसको थोड़ा सा वो लोग बोलेगा ठीक है तुम आर्टिकल शिप नहीं था ये सब, बाकी लोगों को दिक्कत देगा। समझ में आया, क्या समझ में आया, सर क्या समझ में आया, ज्यादा टाइम लगे फटाफट पढ़ेंगे, लिख लेंगे सब चीज, लिख लीजिए और याद करने का कोशिश मत करिए, याद करने का कोशिश मत करिए, खाली रिकॉल करने का ठीक है कोशिश करिए, डोंट रिमेम्बर, ओनली रिकॉल, लिख लीजिए, डोंट ट्राई टू रिमेम्बर थिंग्स नाउ, जस्ट रिकॉल। रिकॉल कैसे करेंगे, खाना खा रहे हैं, पढ़ लिए नोट्स को, पढ़ लिए, जस्ट देखते रहिए, निहारते रहिए। और बोलने का प्रॉब्लम मेरे को नहीं लगता किसी का, इधर में बोलने का प्रॉब्लम किसका है, बोलने का प्रॉब्लम है जिसका, बोलने का प्रॉब्लम है, एनीबडी हैज बोलना का प्रॉब्लम, जिंदगी में कभी बोला नहीं, बोल तो लेगा वहां पर, मैं पैसा का बात आता है ना सब बोल लेते हैं, ठीक है, बोल लेते हैं वहां पर मैं, बस ये है कि लिखता नहीं है, कंटेंट रहता ही नहीं है तो बोलेगा क्या वहां पर मैं, कंटेंट रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, आप और कोई तरीका नहीं है, अगर आप लिखोगे नहीं ना दिक्कत में आओगे। हाँ कोई कोई आदमी बिना लिखे भी पास हो जाता है, तो फिर वो बहुत मेहनत करके होता है, फिर आपको बिना मेहनत का होना, तो लिखेगे तो क्या होगा ना, आपको बाकी इंटरव्यूज में भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि सेम ज्ञान बार बार इधर खोजते रह जाएगी, कहाँ पढ़ना है उस दिन, मान के चलो आपका बैटरी जीरो हो गया, चार्जर गम गया आपका, चार्जर लॉस्ट हो गया, क्या करेंगे हो ही सकता है ना, आपने कोई फाइल लगा, लैपटॉप खराब हो गया, हाँ नोटबुक इससे क्या बेटर चीज, ये कि अभी नोटबुक ही प्रिपेयर कर ले, हाँ लास्ट अपना टाइम में नोट्स हेल्प भी बनाएंगे, एक बार आप करेगा। नोट्स पे अच्छा से बना लेंगे ना, आपको पूरा अच्छा से याद हो जाएगा, नोट पैड में अच्छा से लिख के रखे, दो तीन जगह बैकअप रहेगा तो अच्छा से याद रहेगा, प्रॉमिस अच्छा से। तो और मैंने जो बताया ना, मटेरियलिटी, ऑडिटेरियास, कैम, ईएमपी, कारो, शेड्यूल 3, ऑडिटेरियास, इंटरनल कंट्रोल, इजिली आपका कंप्लीट हो जाएगा, पर हमको 5 दिन में खत्म करेंगे, इफ यू कंप्लीट विद इन 5 डेज मैं रेफरेंसेस दे पाऊंगा, क्योंकि प्रोटिविटी सर में मेरी वैकेंसी है, जो ग्रैंड नॉर्टन में है, केपीएम, केपीएमजी में है, आरएसएम में है, सर हर मुझे जगह मेरी थोड़ा ना थोड़ा वैकेंसीज है। केपीएम हाँ ईवाई, जी क्या बोल रहे हैं, केपीएम ईवाई और इंफोसिस में जो अपने सेशन में उनमें किसको हुई है शॉर्टलिस्टिंग, मतलब ईवाई केपीएमजी और इंफोसिस में कंसेंट दिए ना मैंने, तो उसमें शॉर्टलिस्टिंग अपने सेशन में जो स्टूडेंट्स है किसको हुई है, बहुत लोगों का हुआ है, ने जो सेशन में, तो थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा ना, कनेक्ट होके करेंगे तो। क्यों कनेक्ट करना है भाई, तुम एग्जाम कनेक्ट करके दिया था क्या
तो एग्जाम का निकल के दिया था, टेंशन होगा बकवास होगा, उसको पेपर पे फायदा नहीं है। तो मैं एग्जाम खुद ही पास हुआ था ना, हम जो मटेरियल दे उसको खत्म करना है, खत्म करके पेपर बना लेना, एक बार अच्छा खत्म हो जाएगा मेरे को सुनाना है आंसर को, पर इसको जल्दी से 5 दिन में खत्म करना है, क्योंकि तुम ज्यादा खत्म किया ना, और सब तुमको यही बोलेगा, तुम कुछ तुमको लगता है कोई बोलेगा मेरा तो सब हो गया, मेरा तो सब हो गया ऐसे बोले कोई ऐसे बोलेगा भाई तो एवरीथिंग डन, नजर लगवाएगा कोई ऐसे बोल के, नहीं ऐसे कोई नहीं बोलेगा हो गया, तो ऐसे नहीं बोलेगा कि मेरा तो सब हो गया, मेरा तो सब आता है, कोई ऐसे नहीं बोलेगा। वो ऑफर लेटर पे आ जाएगा तो वही नहीं बोलेगा ऑफर लेटर आया, पता है सबको डर है वही चीज है, वो सब कोई नहीं बोलेगा। बस ये चीज जो मैंने बोला ना, खाली एक ही चीज याद रखिए, आपको 5 दिन में खत्म करना है, क्योंकि आप 5 दिन में खत्म कर दोगे ना, विद इन 5 डेज, लिख लीजिए, हम क्या बोला ग्रुप में लिख लीजिए, जो मैंने मटेरियल दिया ट्राई टू कम्प्लीट, वी विल कम्प्लीट विद इन 5 डेज, 5 डेज में, 5 डेज में कितना टाइम लगेगा, अगर आप 4 घंटा भी पढ़ोगे ना 5 दिन में खत्म कर लोगे, 4 से 6 घंटा, क्योंकि 5 दिन में खत्म करेंगे हम रेफर करवा सकते हैं, 5 दिन नहीं करो फिर 1 महीना बाद ना रेफर आपका बता देता है। अभी सब जन ऑफ कैंपस में दिमाग लगा रहा है, एंड कैंपस इज ऑलवेज रिस्की, कैंपस इज ऑलवेज रिस्की, आई एम टेलिंग यू दिस अगेन एंड अगेन, कैंपस इज रिस्की, लिंक नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ हो सकता है, इसलिए 5 दिन में खत्म कर लेंगे, फिर ऑफ कैंपस में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर वन तो अप्लाई एकदम इजी है, वो तो कल ही कर दीजिए, आज ही कर, आज रात को मत करिएगा, आज भी मैसेज कर सकते हैं, पर रात को कर मत करिए, कल करिएगा, सब हो जाएगा, कल सुबह करिए, रात को ही मैसेज करते हैं सब जन, सुबह करके एक्सेंचर का तो एक फिक्स हो जाएगा आपका, एक्सेंचर तो फिक्स है, और जो क्वेश्चन थे वो पहले कंप्लीट कर लीजिए। अब सेकंड के लिए आपको ये इंटरनल स्टेट ऑडिट 5 दिन में खत्म करिए, पूरा मेहनत करके, उसके बाद हम बता रहे हैं कहाँ पर वैकेंसी है, ग्रैंड टोटल, RSM, प्रोटिविटी, KPMG, हर जगह वैकेंसी है, पर ये वैकेंसी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बिकॉज सबका शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आया है, कोई का 0 आया है, कोई का 1 आया है, 0 वाला बहुत है कस्टमर, मैं बता रहा हूँ, लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट 0 शॉर्ट लिस्टिंग, 0 और 1, जिसका भी 0 और 1 है ना, वो ऑफ कैंपस में पूरा दिमाग लगाएगा, पूरा मेहनत करेगा ऑफ कैंपस, प्लीज रिमेम्बर दिस, और जिसका भी शॉर्ट लिस्टिंग इवन गया है सर ना, फर्स्ट अटेम्प्ट को एक शॉर्ट लिस्टिंग हाँ, और 0 और 1 वाला बहुत मेहनत करेगा, बिल्कुल और इवन जिसका शॉर्ट लिस्टिंग विभाग में वैकेंसी इतना कम कम है ना, वो कैंपस में नहीं ध्यान देगा, वो ऑफ कैंपस में बहुत अपना जान लगाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये 1 महीना के अंदर में जनरली ले लेगा सबको, और फिर दूसरा महीना से थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाएगा आपका, और ऊपर से ऐसे बाई चांस मान के चलिए कैंपस पे अगर अच्छा नहीं जाता है तो ऐसे डिमोटिवेशन अलग ही लेवल का बढ़ जाता है, एंड दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी हम लोग को 5 दिन में पूरा जल्दी, 5 दिन भी बहुत ज्यादा बोल दिया, मैं बोलूँ 2 दिन में खत्म कर सकता है, जब 1.5 दिन में हम लोग महाभारत का सिलेबस खत्म कर लेता है DT देसा, 2 या 3 दिन रीड ही तो मारना है, आंसर थोड़ी नहीं याद करना है, कुछ कुछ आंसर आप लोग डिफिकल्टी लगेगा वो लिख लीजिए, ये डिफिकल्टी है ठीक है, तो 5 दिन में खत्म करना है आप लोगों को, जिससे ज्यादा करेंगे तो आपका नुकसान है, याद रखना, आपका दोस्त का नौकरी जल्दी लग जाएगा, आपको ऐसे सोच के जल्दी पढ़ना है, समझ गए आपको अपने दोस्त से जल्दी नौकरी लगवाना है ठीक है, ये मोटिवेशन चाहिए आपको यहाँ पर में, ठीक है ठीक है, हर दुश्मन है ठीक है, सेशन एंडेड, फीडबैक दे दीजिएगा ग्रुप में ठीक है, ओके देन, थैंक यू, हाँ। थैंक यू। ठीक है।